अब खबर पाली जिले सुमेरपुर से है, जहां बुधवार शाम को तखतगढ़ थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेचा बाली की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली चैन सिंह महेचा ने आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर उपस्थित सभी सदस्यों को विशेष रूप से जानकारी दी। इसके अलावा सभी को मुख्य रूप से आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, उन सब की मीटिंग थी। जिस तरह से अपन कह सकते हैं जनसहभागिता की मीटिंग थी, इसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और मुख्य मुद्दा था आने वाले त्यौहार और लोकसभा के चुनाव। आने वाले त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, ये सभी लोगों ने आश्वस्त किया। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति चुनावों के त्यौहारों के संबंध में सामने कोई भी नहीं आई है। पुलिस प्रबंध अच्छा रहता है, लोग हंसी खुशी से अच्छा त्यौहार मनाते हैं, चाहे होली हो, गैर हो, शीतलाष्टमी हो या रमजान हो। सबसे अधिक वार्ता हमारी हुई आचार संहिता की पालना के बारे में और आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के संबंध में। फ्री और फेयर पोल हो, ये एंश्योर करने के लिए सबको हमने लोगों को ब्रीफ किया है। धारा 144 भी लग चुकी है, उसके बारे में भी बताया।